हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पर करेंटली मार्केट में जिससे ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हमें जो है किस तरह जो ट्रेडिंग है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम को देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से जो रैली है वो यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रही है। 7617 के आसपास अभी भी ट्रेड जो है यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। आवरली बेसिस के हिसाब से भी यहाँ पर सीनियर को देखते हैं तो एक अच्छा खासा जो यहाँ पर मोमेंटम, एक अच्छे से ओपनिंग और उसके बाद एक अच्छा सा रोबस्ट जो है यहाँ पर एक तरह का कंसोलिडेशन जो है देखने को मिला है। और यहाँ पर डे हाई जो है वो ब्रेक हुआ है उसके बाद भी जो है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज जो है देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा श्योरिटी के साथ जो है यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन में जाते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो फॉर टाइमिंग ऑल्सो अगर यहाँ पर हमें मोमेंटम करेक्ट करना है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो शॉर्ट पोजीशन है उसके लिए यहाँ पर हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए 7565 का। अगर यहाँ पर इस प्राइस बैंड के नीचे का यहाँ पर जो है कैंडल जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर जो अच्छे से शॉर्ट पोजीशन जो यहाँ पर बनाई जा सकती है। एंड लॉन्ग पोजीशन के लिए फॉर टाइमिंग ये सिचुएशन हो सकती है कि ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पर फिर से जो है अगर ये प्राइस लेवल ब्रेक होता है दैट इज द प्राइस लेवल नियरली जो है यहाँ पर हमें 7655 का देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर 7660 के ऊपर भी अगर यहाँ पर कैंडल जाना चालू करती है तो एक अच्छी खासी जो लॉन्ग पोजीशन है वो हम यहाँ पर जो बना सकते हैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर। सो होप करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।